मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उनके मंत्रिमंडल के 16 सदस्यों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में शपथ ली। बता दें कि भूपेंद्र पटेल ने दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हूँ भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, ईश्वर नामे सौगंध लऊं छू के, ईश्वर नामे सौगंध लऊं छू के, कायदाथी स्थापित भारत ना संविधान प्रत्ये, कायदा थी स्थापित भारत ना संविधान प्रत्ये, हूँ साची श्रद्धा अने निष्ठा धरावीश, साची श्रद्धा अने निष्ठा धरावीश, हूँ भारत ना सार्वभौमत्वनु अने, भारत ना सार्वभौमत्वनु अने अखंडतानु समर्थन करीश, अखंडतानु समर्थन करीश। मुख्यमंत्री सहित 17 सदस्यों वाली ये सबसे छोटी कैबिनेट है। दरअसल सरकारी आयोग के अनुसार मुख्यमंत्री के पास 25 मंत्रियों की कैबिनेट होने का विशेष अधिकार है, इसलिए संभावना है कि जल्द या बाद में कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। वहीं कुछ जिलों और समुदायों को अभी तक मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले अन्य लोगों में कनु भाई देसाई, राघव जी पटेल, ऋषिकेश पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, कुमार जी बाबलिया, मुलू भाई बेरा, डॉक्टर कुबेर डिडोर और भानुबेन बाबरिया शामिल हैं। वहीं स्वतंत्र विभागों के साथ राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में हर्ष संघवी और जगदीश विश्वकर्मा है। राज्य के अन्य मंत्रियों पुरुषोत्तम सोलंकी, खाबड़ भाजुभाई, मुकेश पटेल, प्रफुल पंसेरिया, भीकू परमार और कुंवर जी हलपति ने भी सोमवार को शपथ ली। बता दें कि बीजेपी द्वारा भूपेंद्र पटेल और विजय रूपाणी के पिछले मंत्रिमंडल से हटाए गए वरिष्ठ नेताओं में जीतू बाघनी, जयेश राडिया, जीतू चौधरी, नरेश पटेल, अर्जुन सिंह चौहान, आरसी मकवाना, विनोद मोराडिया, निमिषार सुथार और मनीषा वकील शामिल हैं।